आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिकुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, पेट का ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेर आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भर कर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते। एक प्रेम है, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिवजी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाएंगे, करीब में आते चले। और शंभु शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख का दया करीन दर्शन शंभु मांगो रे दुख काटो दया करी दर्शन। आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। बहुत सुंदर एक कथा आती है, एक माली था, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक बड़ा अच्छा संवाद है। एक माली दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचाते। जैसा वो बना सकते, जैसा वो निर्माण कर सकते हैं वैसा वो निर्माण करते हैं, और निर्माण कर कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते हैं। और एक नियम उनका बड़ा प्रबल था, दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, दो चार बेलपत्र और दो चार पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर, ये भगवान शिव को हमारी ओर से दे देना, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित कर दे।
या आप भगवान देवदत्त महादेव को हमारी ओर से समर्पित कर। दोनों माली और मालन का नियम। अब एक एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा, बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है, और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं, तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। और माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांध कर डाल कर देते हैं। शायद आज भी अभिदत्त का विदिशा का काम को नहीं मालूम है, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है, और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है, तो वहाँ भी ये मालूम पड़ा कि वहाँ भी लोग यही करते हैं। आज भी फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो वो अलग से पन्नी के अंदर दो चार फूल, दो चार बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो दो फूल या चार फूल या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, पर जो फूल दो मैंने इसमें डाल कर दिया है, ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित, मेरे भगवान देवदत्त महादेव के लिए समर्पित। और मैंने तेरे से बाबा तेरे से हवा बीच उड़ती जावे बाबा डोर भोले शंभो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पणता। माली के घर में माली और मालन दोनों हैं, दोनों फूल बेच रहे हैं, दोनों भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों शिवालय की आराधना कर रहे हैं, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई औलाद नहीं। इनके घर में संतान का सुख नहीं, इनके घर में औलाद का सुख नहीं, इनके घर में संतान का सुख नहीं। एक दिन अब आप लोग अगर कहें कि